दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी विशेष मांग पर एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार अगर देखा जाए, हम चैनल के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, हर एक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए यहां पर कुछ कंफ्यूजन्स मैंने आपके बीच में लिख रखा है। सबसे बड़ा जो डाउट आपका भैया बना हुआ है वो है जो है सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर। ठीक है, लगातार आप मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया आखिरकार हम सीजीपीए और एसजीपीए के जो मैटर हैं या सीजीपीए एसजीपीए के जो टोटल पूर्णांक और प्राप्तांक हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल विद प्रूफ के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। कुछ कुछ जो है विश्वविद्यालय के रिजल्ट को मैंने ले रखा है। आप ये भी लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये बताइए जो है हम क्या सिर्फ छठवें सेमेस्टर का ही प्राप्तांक पूर्णांक निकालेंगे या टोटल जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी टोटल सेमेस्टर जो आपके बन रहे हैं क्या उनके भी निकालेंगे, है ना। ये भी आपने डाउट को पाला है। तो आपके हम प्रत्येक डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने छठवें सेमेस्टर के मार्क को फिलअप कर रहे हैं, है ना। क्या उनके ये जो नियम उन्होंने बनाया है छठवें सेमेस्टर मार्क फिलअप करने का, क्या ये सही है। ठीक है, चलिए इसको बताएंगे हम आपको। और यहाँ फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा क्या? वाकई में यार आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है? ये जो सीजीपीए और एसजीपीए का मैटर है इस चीज को लेकर आप लगातार परेशान है। आपका दिमाग ये चल रहा है कि कहीं हमारा सीजीपीए और एसजीपीए गलत ना हो और हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए यहां देखिए कम फीस में एडमिशन। जाहिर सी बात है प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये प्रबल इच्छाएं होती हैं। ठीक है, आप कहीं से भी डीएलएड करें, हर कोई चाहता है कि जो हमारी फीस है वो कम रहे, कॉलेज में हमें फीस कम देनी पड़े, है ना, सब कोई सोचता है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में क्या मैं हर वीडियो में बताता हुआ आया हूं कि अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा। ठीक है, आगे यहां देखिए, एक सबसे ज्यादा सीजीपीए और एसजीपीए के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपके बीच में तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ सीट आपकी बुक की जा रही है। ठीक है, कुछ पैसे दे दीजिए आप सीट को बुक कर लीजिए। उनको जो बच्चों के समक्ष ऐसी ऐसी चीजें कॉलेज वाले यार बता दे रहे हैं ना कि बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। ठीक, आप मेरा वीडियो पर डे देख रहे हैं, इसके बारे में मैं सारी सच्चाई आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी बातों पर विश्वास आपको नहीं हो रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान गलत हमको बता रहा है। कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, कितनी सच्चाई हमारी बातों में, कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, अगर कोई इतनी अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दे तो आप मेरा चैनल छोड़कर चले जाइएगा। ठीक है, और अगर आपको जो है आपको लगता है कि नहीं इस चैनल पर हमको प्रमाणित न्यूज मिलती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट आप मुझे अवश्य बताइए कि हाँ यहां से दी जाने वाली हर जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है। वैसे मैं दावा करता हूं, ठीक है, आप माने या ना माने, मैं 100% का चैलेंज करता हूं, जितनी प्रमाणित जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूं ना उतनी कोई नहीं करता है ना। बहरहाल छोड़िए, दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ आपके बीच में होता हुआ चला जा रहा है ना। रही बात आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, कैसे क्या होगा, वर्तमान समय में एक एक चीजों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो ये सब सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। अब यहां एक मामला हमारा और बचता है कि जो 5-5 हजार रुपया हमें देना है, ठीक है, या 5-5 हजार फीस जो है हमें कब कैसे देनी है। जाहिर सी बात है 5-5 हजार रुपये यानी टोटल 10 हजार का पेमेंट एडमिशन से पहले यानी काउंसलिंग फीस और अलॉटमेंट फीस आपको देनी है। ठीक है, तो ये कब देनी होगी, क्या ये फीस आपका रिफंडेबल है या नहीं है ना, उसको हम आपको बताएंगे। और यहां अदर स्टेट, खासकर मैं प्रत्येक वीडियो में आप अदर स्टेट जैसे यूपी को छोड़कर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से, कहीं किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, आपके साथ लोग छल करने वाले मार्केट में निकले हुए हैं, है ना, बताएंगे आपसे कुछ, वसूलेंगे कुछ आपसे, है ना, तो इसमें कितनी सच्चाई। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो
तो मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, जितनी चीजें मैं यहां से प्रोवाइड कर दूंगा उतना कोई आपको खुलकर नहीं बताएगा, ठीक है। यह सार्वजनिक मंच है, कुछ चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ गुप्त चीजें होती हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कहता हूं कि आप मेरे पास फोन करिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं समझता हूं कि आपका फोन थोड़ा सा रिसीव नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अगर फोन आपका रिसीव नहीं हो रहा है तो भैया मेरे पास आप मैसेज कर दीजिए। शाम को मैसेज नहीं रिसीव होगा तो कल मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। अगर रिप्लाई देने लायक चीजें होती हैं तो मैं रिप्लाई करता हूं, नहीं होती है तो नहीं करता हूं, ठीक है। बहरहाल आप अपने मर्जी के मालिक स्वयं हैं। आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि जितनी चीजें यहां से, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके प्रत्येक डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आपके साथ कहीं छल कपट ना हो, कहीं दिक्कत ना आए, इस चीज का बेड़ा मैंने उठा रखा है। और मैं दावा करता हूं अगर आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा हर एक प्रत्येक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ नई चीजें, टॉपिक भले वही रहे लेकिन कुछ कुछ उसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है भाई। इस वीडियो में कुछ चीजें हो सकता है छूट जाए, मैं ना बता पाऊं मेरिट के संदर्भ में, लेकिन अगला वीडियो जो आएगा, ठीक है, उसमें जो चीजें छूटी रहेंगी वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्त हर वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोग नाजायज कमेंट करते हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भैया आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं लगी है, मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मुझे पढ़ाना है ना, तो आप मुझे बताइए। आप चाहेंगे, आप मुझे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं समझेंगे तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपका फीडबैक मुझे चाहिए। और मेरिट के बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि आपके मेरिट भैया हाई जा रही है, आप बहुत ज्यादा बता रहे। यार मैं कम भी बता सकता हूं आपको संतुष्ट करने के लिए, अगर मैं कम बता दूं चलिए ठीक है, आपके मेरिट 190 जाएंगे, और जब आपके मेरिट 240 पहुंचेगी तो इस चैनल से आपका विश्वास उठ जाएगा कि भैया आपने तो यार 140 बताया था, सॉरी 190 बताया था, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इनको नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें आपको संतुष्ट भी करना है, आपको खुश भी करना है। आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, मैं फैक्ट बताऊंगा, ठीक। आप मुझसे नाराज हो जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी चीजों को सही समझिए, है ना। तो चलिए, बहरहाल ये तो मुद्दा हमारा, अभी इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ सीजीपी और एसजीपीए की मार्कशीट मैं आपके लिए रखा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीजीपीए और एसजीपीए की मार्कशीट के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विथ प्रूफ के साथ हमारे बेस में उपलब्ध है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मार्कशीट ये आपके बीच में आई हुई है, जैसा कि यहां देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे हम जूम करने का प्रयास करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, बट यहां इन चीजों को देख लीजिएगा, जिसका भी होगा भाई आप जो है थोड़ा सा मुझे भी कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपने मेरी मार्कशीट को बताया है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आप बेधड़क रहिएगा, ठीक भैया। चलिए, एक चीज यहां इन चीजों को देख सकते हैं आपके बीच में, मेरे हिसाब से सारी चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। अच्छा, कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि कल हमसे कोई मैसेज किया कि भैया कल हम यूनिवर्सिटी गए हुए थे, हालांकि मैं कहीं नहीं गया था, ठीक है, कल बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि जहां ये देख सकते हैं जो क्रेडिट आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, जो क्रेडिट स्कोर आपका बन रहा है, जितना क्रेडिट स्कोर में है सिर्फ उतना ही काउंट करेंगे, यानी देख सकते हैं 1 2 3 4, तब तो इस हिसाब से इनका 400 हो रहा है दोस्त, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितना नॉलेज मुझे है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर कोई सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में हमसे बेहतर जानकारी दे रहा है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं इस बात को भी कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं थीम चेंज कर रहा हूं, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, चलिए अब सही हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना, हम आपको ये बता रहे हैं, अच्छा एक सेकंड, तो मैं आपसे सीजीपीए और एसजीपीए की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सीजीपीए और एसजीपीए की बात करें तो देख सकते हैं यहां टोटल इनका पूर्णांक जो दिया जा रहा है, ठीक है, जो टोटल इनका पूर्णांक भैया दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं 52 में इन्होंने 100 नंबर पाया है, ठीक है,
फिर 55 में 100 है, 78 में 100 है, 73 में 100 है, 69 में 100 है और 72 में 100 है, ठीक है। यानी इनका जो पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 हो रहा है। अगर ये 600 के हिसाब से अपने 6 सेमेस्टर की बात करें तो इनका टोटल पूर्णांक भैया 3600 बनेगा, ठीक है। इनका टोटल पूर्णांक 3600 बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्रेडिट स्कोर वाली बात है आप थोड़ा सा अपने स्तर से अपने विद्यालय में पता कर लीजिएगा। जितना मुझे है मैं आपको टोटल बता रहा हूं, ये देख लीजिएगा, है ना। बाकी अच्छा, यहाँ जो सीजीपीए और एससीपीए लोग कह रहे हैं कि अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीजीपीए और एससीपीए का जो परसेंटेज है वो ठीक से नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब वहां बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपका जो परसेंटेज है और ऑब्टेंड मार्क है, अगर वो चीजें सही होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यही चीजें मुझे सही चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को भैया ध्यान दीजिएगा, ये जिनका होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं, हम अगली मार्कशीट पर आते हैं। देखिए जितने लोग दीनदयाल विश्वविद्यालय के देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा कि भैया हमें चीजें स्पष्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। मैं आपसे हम सबके लिए कह रहा हूं कि अगर आपको कोई और बेहतर जानकारी दे रहा है तो आप वहां भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए यहां मैक्सिमम मार्क आपका दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं इसमें तो क्रेडिट सब में दिया गया है, यानी इनका सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनका देख ले, ये 6वें सेमेस्टर का है, 800 इनका पूर्णांक बन रहा है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से इनका भैया 4800 पूर्णांक बनेगा, ठीक है, 4800 पूर्णांक इनका बन रहा है। लेकिन किसी किसी सेमेस्टर में आपके ये सब्जेक्ट की संख्या कम हो गई है, आप उसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अपने विश्वविद्यालय भी संपर्क कर लीजिएगा, जिनको और अच्छा खासा नॉलेज उनसे भी संपर्क कर लीजिएगा, ठीक भैया, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अगर इसी के क्रम में हम कहें तो ये देख सकते हैं अवध यूनिवर्सिटी का है, अवध यूनिवर्सिटी का आपका जो पूरा मामला है वो क्लियर ही है, इसमें हमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक भैया, ये आपका पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क इनका दिया है, ऑप्टेंड मार्क इनका दिया है, ठीक है, इस चीज का जो है सब कुछ आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए अच्छा, हाँ ये हो गया आपका। आगे यहां देखिएगा, ये पता नहीं किसका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए छत्रपति साहू जी महाराज का है भैया, इसमें जो है कानपुर यूनिवर्सिटी का है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो दोस्त इसमें मेरे समझ से बाहर हो चुका है ये सब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो इसलिए आप छत्रपति साहू जी महाराज से अगर आप भाई ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं से कोई मैनेज अगर हो रहा है तो प्लीज आप कर लीजिएगा, ठीक भैया। जितना नॉलेज मुझे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी अगर अभी मैं मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं आपका गलत करूं, है ना, मुझे नॉलेज नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको बोल दे रहा हूं। देख सकते हैं यहां मैंने इस चीज को ब्लर कर रखा है, ठीक है। यहां आपका देख सकते हैं ये टोटल मार्क और ऑप्टेंड मार्क इसमें भी दिया गया, 68 में ये महोदय 100 नंबर पाए हैं, जिसका भी होगा, ठीक है, 68 में इन्होंने 100 नंबर पाया है, 77 में 100 नंबर पाया है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा हूं, देखिएगा यहां देख सकते हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बताइए हमें, है ना, अब मुझे बताइए इनका भी टोटल 800 बंदा, बट ये जिसका होगा भैया, आप रुहेलखंड विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्तर से विश्वविद्यालय भी संपर्क कर लीजिएगा, किसी और से भी जानकारी ले लीजिएगा, बट मैं जो आपको बता रहा हूं मेरे हिसाब से सही है, आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ये जो क्रेडिट स्कोर वाला मार्क है, यहाँ देखिए बी है, ए दिया गया है, ग्रेड दिया गया है, क्रेडिट पॉइंट भी दिया गया है। अब यहाँ जो लास्ट का आपका है को करिकुलम वाला, ठीक है, अब ये पता नहीं एड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट अगर ये एड होता है तो टोटल आपका पूर्णांक भैया 800 बन रहा है। इस हिसाब से अगर प्रत्येक सेमेस्टर 800 का बन रहा है तो आप 4800 आपका प्रत्येक सेमेस्टर टोटल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ ऑप्टेंड मार्क आपका दिया गया है ना, इस चीज को आप देख लीजिएगा। बाकी यहां देखिएगा महाराजा सुहेल देव का है, महाराजा सुहेल देव की अगर हम बात करें तो ये भी आपके बीच में अस्पष्ट है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, अच्छा ये आप अच्छा ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, देखिएगा इसमें भी टोटल यही चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अधिकतम आपका जो पूर्णांक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बन रहा है वो तो भैया आपका बन रहा है कितना, 4800 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इनमें भी 48 8 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक जो है 100 100 नंबर के हैं,
देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 800, ठीक है, यानी 800 इनका भी पूर्णांक बन रहा है, इस हिसाब से आपका 4800 बन रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो और बेहतर जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, है ना, आपको और अगर कहीं से कोई चीजें आ रही हैं तो आप उस चीज को थोड़ा सा अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो मैं आपके लिए कर रहा हूं वो तो अनवरत आपका चल ही रहा है। ठीक भैया, चलिए पूर्णांक प्राप्तांक हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, फॉर्म रिजल्ट का जहां तक सवाल है, अगर आपका परसेंटेज और टोटल मार्क ये क्लियर है तो आपका फॉर्म भैया रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल संपर्क करिएगा, मैं नंबर आपको दे दिया हूं 94-52-33-10-53। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीट बुकिंग के लिए जो अभ्यर्थी परेशान। देखिए यार, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि दोस्त आप सीट बुकिंग के लिए काहे को परेशान है। ठीक है, अगर आप सीट बुकिंग के लिए परेशान होते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्रॉड की तरफ जो है जा रहे हैं। कतई किसी के हाथों में ये पावर नहीं होती है कि सीट को बुक कर ले। मैं भी क्यों ना कहूं कि चलिए हमको आप पैसा दे दीजिए, हम आपकी सीट को बुक कर दे रहे, लेकिन पूरी तरह से वो चीजें निराधार है। ठीक है, आप कतई किसी के बहकावे में मत आइएगा। पहले आप किसी को एक रुपया मत दीजिए, पहले आप आवेदन कराइए अगर जो कॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आपको वही कॉलेज चाहिए, आप काउंसलिंग में सिर्फ एक कॉलेज को लॉक कर दीजिए। उनके बस में ये नहीं है कि आपको वो कॉलेज नहीं देंगे अगर कॉलेज आपको अलॉट हो गया। ठीक है, तो यार आप बुक कहें कर रहे हैं, कहीं पहले से आप पैसा फंसा रहे हो, सकता है आपकी बात उनसे बिगड़ जाए। ठीक है, तो जब बात बिगड़ जाएगी, जब 4-6-10 हज़ार दे देंगे तो कहें आप बंधक पहले से बन जाएंगे, तो हर हाल में आपको वही कॉलेज लेना होगा। ठीक है, तो इसलिए आप एक को रुपया भी किसी को मत दीजिए। ठीक है, आप काउंसलिंग कराइए। हम मानते हैं कि आपको जो भी कॉलेज चाहिए, ठीक है, आपको जो कॉलेज चाहिए उसका आप कोड नंबर नोट कर लीजिए, 6-7 अक्षर का होता है। ठीक है, कॉलेज कोड होता है, आप नोट कर लीजिए। आप जब काउंसलिंग कराइएगा तो वही कॉलेज आप डाल दीजिएगा, और अगर वो कॉलेज पीएनपी आपको अलॉट कर देती है तो किसी में हिम्मत नहीं, किसी में चैलेंज मैं करता हूं। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे, फीस चाहे जो लें वो अलग का मामला है। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक भैया, चलिए अब देखिए 5-5 हज़ार फीस का जहां तक सवाल है दोस्त, मैंने आपको बताया है 5 हज़ार फीस आपकी काउंसलिंग जब कराने जाएंगे तब जमा होगी, और 5 हज़ार फीस जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब जमा होगी। इसके पहले आप किसी को 1 रुपया मत दो। ठीक है, काहे को देंगे? हम कहते हैं, मैं मुझसे भी आप बात करते हैं, मैं यही कहता हूं कि भैया मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप मेरे यहां एडमिशन कराएंगे कम फीस में, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे पैसा दीजिए। मैं यही आपसे कहता हूं, आप अपनी काउंसलिंग स्वयं कर लीजिए, मैं कॉलेज आपको बता दूंगा। ठीक है, काउंसलिंग कर लीजिए, पैसा कटा दीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए, बाकी आप रिसिप्ट मुझे भेज दीजिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके लिए, तो आप मुझे पैसा दे दीजिए। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके लिए, लेकिन प्रायोरिटी आप यही देखिए कि किसी को हम पैसा ना दे, हम स्वतः कर लें। ठीक भैया, अन्यथा की स्थिति में और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको खुदा न खास्ता कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और कॉलेज अगर मिल जाता है और आप चाहते हैं कि हम उस कॉलेज को न ले, दूसरे कॉलेज में चले जाए, तो ये जो आप 10 हज़ार रुपया पेमेंट किए रहेंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो इसलिए आप भली भांति समझ लीजिएगा, परख लीजिएगा कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, तभी जाके आप ये 5 हज़ार का पेमेंट जो कंफर्मेशन वाला होता है तभी आप करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका पैसा भी चला जाएगा और मामला भी अटक जाएगा। अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा है दोस्त आप हमसे संपर्क करिएगा, बाकी अगर किसी और के हाथों में जाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको वो कहीं ना कहीं फ्रॉड की तरफ जरूर ले जाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो, क्योंकि आपको यहां के बारे में नॉलेज नहीं है, नॉलेज के अभाव में आपसे वो अवैध तरीके से पैसे वसूलेंगे। ठीक है, तो आप कहीं को ऐसे चक्कर में जाएं, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। आप ऐसे लोगों के फेवर में जाएं जो हमेशा आपके बीच में रहकर काम करें। ठीक है, तो आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, जो भी जानकारी चाहिए मैं तो कहता हूं आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरिट के बारे में पहले भी मैं आपको बता दिया हूं मेरिट आपकी कितने कैसे रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, मेरिट आप ध्यान दीजिएगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी के आधार पर ही आपको मेरिट बनती है। ठीक है, बाकी आपके कुछ कंफ्यूजन्स और किसी के संदर्भ में बनते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी।
प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।